There are two major nations, the Hindus and Muslims. 100 billions of Muslims cannot be characterized as a minority. We are 70 million in the northwestern and northeastern zones of India. We constitute a majority of 70% against the caste Hindus in these homelands of ours. We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ब्राइट स्टार टीवी और प्रोग्राम वर्स एंड वर्स आउट की एक और इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव एपिसोड में मैं हूं शाहज़ेब फारूक और मेरे साथ हमेशा की तरह मोइन अहमद मौजूद है। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है वो स्पेशल 23 मार्च 1940 के हवाले से किया जाएगा, लेकिन उससे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको बताया करते हैं हमेशा हम, कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं सब्सक्राइब करने के बाद, और साथ साथ में आप हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं ब्राइट स्टार टीवी के नाम से। जी, हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, और हमें लाइव देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, दैट इज़ ब्राइट स्टार टीवी डॉट लाइव। और बड़े सगीर की बात करें नाजरीन, तो मोहम्मद बिन कासिम 712 में बरस्ता सिंध यहाँ पे दाखिल हुआ और एक ऐसा निज़ाम, एक ऐसा रियासती निज़ाम लोगों को दिया कि जिसके बाद लोग तारीख दान लिखते हैं, अपने डॉक्टर ताराचंद अपनी किताब तारीख हिंद में लिखते हैं कि लोग उन्हें लख दाता के नाम से याद करते थे, उनका नाम बाकायदा तौर पर मंदिरों में लिया जाता था। तो अपनी 1000 साल की तारीख में मुसलमानों ने हिंदुओं को वो तमाम जो हकूक थे, मुआशरती, समाजी और जो मजहबी हकूक थे, उनको दिए, हर तरीके से अपने एक आज़ादाना तौर पर वो ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन जैसे ही बरतानवी हुकूमत आई, ईस्ट इंडिया कंपनी का गलबा बड़ा, मुसलमानों को शिकस्त हुई, हुक्मरानी से हाथ धो बैठे मुसलमान, तो हिंदुओं ने अपनी वो जो एक एहसास था कि ग़ुलामी के में वो उन्होंने बसर किए 1000 साल, उन्होंने रूप दिखाना शुरू किया, लोगों को उन्होंने मुसलमानों को तंग करना शुरू किया, जिसके बाद एक कुछ तंजीमें थी जिसमें आर्या समाज, शिदी संगठन और हिंदी ज़ुबान तहरीक, जिसके अंदर उन्होंने लोगों को मुसलमानों के हकूक को सलब करने की कोशिश की। तो इसी हकूक को बचाने के लिए, अपनी आवाज़ हुक्मरानों तक पहुंचाने के लिए मुस्लिम लीग का क़याम अमल में लाया गया, और जिसके सालाना 27वें इजलास में, जो कि 1940 में हुआ, मुसलमानों ने एक मुतालबा किया कि उन तमाम इलाकों में जहां मुसलमान अक्सरियत में हैं उनको एक रियासत का दर्जा दिया जा सके। और आज के प्रोग्राम में हम इसी पर गुफ्तगू करेंगे। जी हाँ, इसी हवाले से बात करेंगे आज 23 मार्च 1940 के हवाले से। और आज जिस प्रोग्राम में हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे हमारे गेस्ट सिकंदर जुल्करनैन साहब, सीनियर हेडमास्टर हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल ATGB में, और साथ ही साथ में सीनियर नैब सदर भी हैं हेडमास्टर एसोसिएशन पंजाब के, हमारे साथ मौजूद हैं सिकंदर जुल्करनैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले सर, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक निजी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है कि सर, मुसलमानों ने हिंदुओं पर 1000 साल तक हुकूमत की, लेकिन जब मुसलमानों पर मुश्किल वक्त आया, जब मुसलमानों पर जवाल आया, तो हिंदुओं के अंदर क्या ऐसा नफरत का एलिमेंट था कि उन्होंने उनके साथ गद्दारी भी की कुछ कुछ जगहों पर, और साथ साथ में मुसलमानों के लिए काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मुश्किल क्रिएट की? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दो इसके हिस्से हैं इसके, इस बात को समझने के लिए कि हिंदुओं ने ऐसा रवैया क्यों अपनाया। नंबर वन ये है कि मुसलमान चाहे हुक्मरान हो चाहे वो रियाया हो, सही, उसका कुरान पे ईमान है और कुरान वाले पे ईमान है, और मुसलमान ये चाहता है कि लिव एंड लेट लिव, यानी दूसरे के जो हकूक है ना, अल्लाह पाक ने तो फरमाया कि शायद मैं अपने हकूक माफ़ कर दूँ, तो जो लोगों के हकूक हैं वो तो लोग ही माफ़ करेंगे। तो मुसलमानों ने कभी जबर नहीं किया, चूँकि उनकी टीचिंग्स ये हैं कि अल्लाह पाक उनको देख रहा है। तो वो किसी शोबा ज़िंदगी में मुसलमान होता है, उसका मकसद ये नहीं होता कि मैं लोगों को एक्सप्लॉइट करूँ, ज़ुल्म तशद्दुद करूँ, अपने जो मामलात हैं उनको सीधे कर लूँ, बल्कि वो अल्लाह को राज़ी करता होता है। तो वो बादशाह के रूप में हो या वो रियाया सब्जेक्ट के रूप में हो, वो हमेशा उसका जो तर्ज़ अमल है वो खुदा खौफी उसके साथ होती है। अब दूसरा पहलू ये इसका ये है कि हिंदू ये समझते थे और आज भी ये समझते हैं कि मोहम्मद बिन, जैसे कि हमारे दोस्त ने ये बताया कि इस्लाम आया मोहम्मद बिन कासिम के साथ 712 में, तो हिंदू आज भी ये समझते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम की आमद से पहले या इस्लाम की आमद से पहले हिंदुस्तान में पूरा हिंदुस्तान हिंदुओं का था, ये इलाका, जगह भी उनकी थी और मज़हब भी उनका था। तो वो बीएंग हिंदू वो मुसलमानों को घुस बैठी ये ज़ालम समझते हैं, ये एक नफसियाती बात है।
اور آج بھی موجود ہے، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہندوؤں کا جو نظام زندگی تھا یا طرز حکومت تھا وہ دونوں ہی انسانیت کے لیے وہ خطرناک تھے، اور ہندو مت جو ہے وہ اس طرح کا مذہب نہیں ہے۔ جواہر لال نہرو نے خود ہی کہا ہے کہ یہ ناٹ اے ریلیجن، اٹس اے سیٹ آف ریچولس۔ تو یہ دو جو فیکٹرز ہیں، اس وجہ سے ہندوؤں کا یہ ریئیکشن تھا۔ انفیکٹ ہندو آج بھی جو کٹر ہندو ہے نا، وہ یہی سمجھتا ہے کہ اسلام اور مسلمان کو نعوذ باللہ یہاں سے ختم کیا جائے۔ ابھی پچھلے سال آپ نے دیکھا ہوگا ایک تحریک چلی تھی گھر واپسی والی، انہوں نے ہندوستان میں، چونکہ اب ان کے وسائل ان کے قابو میں آ گئے، حکومت ان کی آ گئی ہے، مودی صاحب کٹر ہندو ہیں، تو انہوں نے مسلمانوں کو اور کرسچین کو دوبارہ ہندو کرنا شروع کر دیا، جس یہ موومنٹ کا نام انہوں نے رکھا گھر واپسی۔ ان کا کہنا یہ کہ یہ بہت پہلے ہندو ہی تھے، یہ کنورٹ ہوئے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں، کرسچن ہوئے ہیں۔ تو یہ دو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جب بھی تھوڑے سے مسلمان کمزور ہوئے، ہندوؤں کو تھوڑا سا غلبہ ملا، تو ان کا یہی تھا کہ ہم نے ان کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ لیکن سر وہاں پہ یہ بھی ہے نا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ منورٹی ہیں، اس کے علاوہ ہندوؤں میں بھی کافی ذات پات کا فرق ہے، تو وہ لوگ جن کو وہ انسانی حقوق نہیں دیتے، جیسے شودر ان کی ایک کاسٹ ہے، تو وہ لوگ تو بڑے اسلام کے آنے سے بڑا ان کو ایک رائٹ ملا، ان کو سوسائٹی میں ایک مقام ملا تھا۔ بالکل آپ صحیح کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ذات پات کا جو نظام ہے، منو نے سمرتی بک ہے، اور ذات پات کو وہ اتنا مطلب ریگارڈ کرتے ہیں کہ یہ مذہبی درجہ ہے۔ منو نے یہ لکھا ہوا ہے کہ شودر کا مذہبی یہ فریضہ ہے کہ وہ دوسروں کی خدمت کرے گا۔ تو ظاہر ہے وہ پسے ہوئے تھے، دلت تھے، شودر تھے، ہریجن تھے، وہ پسے ہوئے تھے، ان نے کسی قسم کے حقوق دستیاب نہیں تھے۔ تو ظاہر ہے جو اسلام کا برابری والا نظام ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب وقت نماز آتا ہے تو سارے برابر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حسن ہے اسلام کا، اور اس حسن کو، اس اعلیٰ انتظام کو انہوں نے پسند کیا، یعنی کہ ایک مخصوص کلاس ہے جو کہ یہ امپلیمنٹ کروانا چاہ رہی ہے۔ صرف برہمن ان کی کلاس جو سب سے اوپر مانی جاتی ہے، وہی چاہتے ہیں کہ تمام ہندو ہوں اور وہ اپنے اپنی مرضی کے مطابق احکامات اپنے نافذ کر سکیں۔ اب دیکھیں نا، یہ عام سمجھ آنے والی ہے کہ برہمن کیوں اتنا ریٹیلیٹ کرتا ہے برابری کے نظام کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برہمن جو ہے نا، اچھا کھاتا ہے، اچھا پہنتا ہے، تو کام کوئی بھی نہیں کرتا، یعنی کہ جس طرح ہمارے چودھری ہوتے ہیں جی، دوسروں کے ایکسپلائٹ کرتا ہے نا۔ اگر ہاں، اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے یہ ہمارے حقوق سلب کر رہا ہے، غصب کر رہا ہے، تو وہ ظاہر ہے اسے نہیں، وہ اس طرح کی خدمت سیوا نہیں کریں گے۔ تو وہ کہتا ہے جیسے سٹیٹس کو ہم کہتے ہیں کہ جن کے سٹیکس ہوتے ہیں لوگوں کے، کہ اگر یہ نظام میں کوئی بدلاؤ آئے گا تو ہمارے سٹیکس جو ہے نا وہ کمپرومائز ہوں گے، وہ ایٹ سٹیک ہوں گے، نقصان ہوگا۔ تو یہی برہمن چاہ رہا ہے، تو برہمن نے بیسیکلی ایکسپلائٹ کیا ہوا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہندو مت میں آج بھی ہند سے باہر جانا کفر ہے ان کے مذہب کے مطابق۔ اچھا، یعنی آپ آؤٹ سائڈ انڈیا بینگ ہندو نہیں جا سکتے، یہ سمرتی میں بات لکھی ہوئی ہے، جو باہر جائے گا وہ برشٹ ہو جائے گا، یعنی ہندو مت سے خارج ہو جائے گا۔ اب سائیکولوجیکلی یہ کلاس کیوں مذہب میں رکھی ہوئی ہے کہ جب یہ باہر جائیں گے، دوسرے لوگوں سے انٹریکٹ کریں گے، تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ہمارا برہمن جو ہمیں ایکسپلائٹ کر رہا ہے شدید تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ انہیں نہ ان کا کسی سے رابطہ ہو، اور یہ ہماری چکی میں پستے رہیں، ہم آپ ان کو بتاتے رہیں کہ آج آپ کا فلاں دیوتا ناراض ہو گیا تو مندر پہ یہ چڑھا دو، اور آج آپ کا یہ ہو گیا۔ اور سو مچ سو، آپ کو حیرانی ہوگی کہ یہ ریولٹ کیوں کیا شودر نے، دوسرے تیسروں نے، اتنا مطلب انسانیت کا وہ کر رہے تھے کہ ایسے گناہ، ایسے پاپ بھی انہوں نے رکھے ہوئے تھے جو لوئر کاسٹ کے لوگ تھے، کہ ان کے کمپنسیشن کے لیے، ان کے مداوے کے لیے وہ جوان بچیاں مندر پہ چڑھاوا چڑھائی جاتی تھی۔ اچھا، یعنی یہ بھی انہوں نے کہ وہ زمانہ جاہلیت کی اس طرح ہم بات کرتے ہیں، ستی کا آپ نے سنا ہے کہ وہ عورت مر جاتی، یعنی کہ سر اس طرح ان کے بھی کچھ مائنڈ سیٹ ہیں ہندوؤں میں بھی، کچھ لوگ کچھ سوچتے ہیں، کچھ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی برابری کے حقوق ملے، تو اسلام نے ہی انہیں برابری کا حقوق دیا۔ اور اس کے ساتھ یہ ہے ناظرین کہ جس طرح سے ہندوؤں میں کچھ ذات پات کا فرق ہے، مسلمانوں میں بھی اختلاف رائے ہوا اس وقت، اور اس پہ ہم بات کریں گے بریک کے بعد۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
जी वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वर्ड्स इन वर्ड्स आउट और हम बात कर रहे थे कि इस तरह से हिंदुओं में कुछ जात पात का फ़र्क है, इसमें इंसान ये चाहता है कि हमें बराबरी का हकूक मिले, हमारी भी जो राय है उसकी कुछ वैल्यू हो। तो मुसलमानों में भी सर ये चीज़ें थी कि जब पाकिस्तान बनने लगा तो कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं और कुछ थे जो कि इसके इन सेंटीमेंट्स को निगलेक्ट कर रहे थे कि हम वहीं पर रहना चाहते हैं। तो ये आप क्या समझते हैं कि ये जो लोग अपोज़ कर रहे थे पाकिस्तान को, ये उस भारत में खुश थे ये लोग? जी ये आपका क्वेश्चन जो है ना वो बर्निंग क्वेश्चन आज भी हमसे यही पूछा जाता है कि इवन मुसलमान जमात इस्लामी वाले जो हैं ये भी पाकिस्तान की मुखालफत कर रहे थे, पाकिस्तान बनने से पहले की सारी बातें हैं। तो ये बिल्कुल सही है, जब पाकिस्तान बन गया है अब हम बहुत सारी बातें करते हैं कि इवन जिन्ना को भी जो बड़े लीडर हैं उनको भी कहते हैं उन्हें ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। जब पाकिस्तान बनने जा रहा था तो बड़े मुश्किल हालात थे, उस ज़माने में कोई मशीनरी टेक्नोलॉजी कोई कुछ नहीं था, महदूद सी आबादी थी और बहुत सारे लोगों के जहन में फिज़िकली ये था कि ये बन जाएगा। अच्छा, दूसरा प्रोपेगेंडा जो ऑल इंडिया कांग्रेस का था ना वो भी इसे रिलीजियसली एक्सप्लॉइट कर रहे थे कि ये हिंदुस्तान का जो बंटवारा हो रहा है ना ये गौ माता के टुकड़े होने के बराबर है, धरती माता को ये चीर रहे हैं। और महात्मा गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया था जब ये करारदाद लाहौर पेश की गई है तो उससे कहा, उसने कहा कि ये एक पाप है और ये एक अखलाकी बुराई है। अच्छा, अब जो ऑल इंडिया कांग्रेस के प्रोपेगेंडे के हत्थे चढ़ गए वो चाहे मुसलमान हिंदू तो थे ही, जो मुसलमान उनके हत्थे चढ़ गए उन्होंने मसलन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बड़े लीडर थे ऑल इंडिया कांग्रेस के, बहुत बड़े मुसलमान स्कॉलर थे अबुल कलाम, उनका नाम असल में तो मायूद्दीन था, अबुल कलाम का मतलब ही है कि बहुत बड़े आलम, कलाम के बाप, वो पाकिस्तान की मुखालफत कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि ये जो लफ्ज़ पाकिस्तान है ये मेरे हल्क से नीचे नहीं उतरता। अच्छा, इसका मतलब है यही टुकड़ा होगा जहाँ पाक लोग होंगे, पूरी दुनिया में पलीत लोग होंगे। तो इस तरह के तहफ़ात थे मुसलमानों के अंदर, कुछ वाक़ता सोचते थे कि अगर हिंदुस्तान मुतहद रहता है तो ये ज़्यादा ताकतवर होगा। 1938 में जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सालाना जलसा हुआ पटना में, ये 26वां इजलास था, जो 1940 वाला जिसका आपने हवाला दिए ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 27वां सालाना इजलास। तो पटना में कायद आज़म को जब रिपोर्ट्स दी गई कि कांग्रेस की वजारतें जो हैं मुसलमानों के साथ क्या जुल्म सितम कर रही, तो तब जाके कायद आज़म का भी ये जहन बदला था। शुरू में उसे उन्हें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सबसे बड़ा सफ़ीर हम कहते, उन्होंने तो ज्वाइन भी कांग्रेस की थी जी, उनका भी जहन ये था कि हिंदू मुसलमान दोनों मिल के आज़ादी हासिल करें। तो सर ये जो चीज़ थी जो कि कायद आज़म को 26वें इजलास में पता चली, ये उन लोगों को पता नहीं चली जो उस वक्त अपोज कर रहे थे पाकिस्तान बनने, उसमें देखिए दो तीन कोई उनके अपने इंटरेस्ट जी इंटरेस्ट भी थे और ये भी होता है कि कुछ हम अना का मसला भी बना लेते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा कि ये जो लफ्ज़ ही मेरे हल्क से नीचे नहीं उतर रहा, कुछ अट्रैक्शन थी कांग्रेस आई की तरफ से और बहुत सारा ये नफ्सियाती ये था कि ये शायद पाकिस्तान बने ही ना। अच्छा, कुछ ये भी एक हकीकत है कि कायदे आज़म की ज़ात से भी कुछ लोग, हालांकि नो डाउट कि वो पाकिस्तान के नहीं दुनिया की सियासतदानों में बड़ा नाम है उनका, अभी स्टैनले वॉलपोर्ट ये 19 फरवरी को फौत हुए हैं, अगर उनकी बुक आप पढ़ें जिनाह पाकिस्तान तो पता लगे, तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह की ज़ात से भी बीइंग अ मुस्लिम उनके थोड़े रिजर्वेशन थे कि शायद ये, लेकिन वो सती सी बातें थी, एक माइंडसेट बन गया और ज़्यादा उनके जहन में ये था मेरा जो मताला है कि शायद ये पाकिस्तान बनना नहीं, तो ये वो सेफ साइड खेलना जी सेफ साइड भारत है तो यहीं पे रहें। एग्जैक्टली वो आपने वो लूप पकड़ा है, वो कहते थे कि इन्होंने मतलब जो इनसे बनना तजर्बा करना है नया, हाँ, पता नहीं होता है नाकाम हो जाए हमें कहीं नाकाम हो ना इन्होंने और बहुत बड़ी इंसल्ट होनी है, तो हम कहेंगे कि हम नहीं कहते थे कि ये ना करो। आज भी नया जो आता है ना प्रोग्राम आप कोई भी देखते हैं लॉन्च होती है कोई प्रोजेक्ट होता है तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि ये ऐसे नहीं हो सकता, वो उतनी पावर नहीं है ना कि स्टेप लेना उस पर फिर स्टैंड करके आप उसको बाकायदा तौर पर उसको कामयाब भी बनाना आपने होता है, तो वो लोगों में ये पावर थी, कायदे आज़म में ये पावर थी, उन्होंने इसको प्रोलोंग किया इसको। और बहुत सारे हमारे जो उलमा हैं उन्होंने कायदे आज़म को सपोर्ट किया, यही जो सेशन था पटना का उसके बाद मौलाना अशरफ अली थानवी बड़ा नाम है उलमा में,
उनका एक वफ्त वो तो नहीं आए लेकिन उनके साथ ही आए, उन्होंने कायदे आज़म को अपनी हिमायत का ऐलान किया भरपूर और दुआएं भी दीं। फिर हाफिज़ जमात अली शाह साहब का बड़ा रोल है। तो ये कुछ नफ्सियाती वजूहात थी, कुछ एक ईगो का मसला था कि जिनको वो, आपको पता ही है कि हिंदू वो बड़ी खुशामद भी कर लेते थे, महात्मा गांधी उस बड़े लीडर थे, तो थोड़े डिप्लोमेटिक टाइप, डिप्लोमेटिक टाइप थे, उस तरफ भी खेलते हैं, इस तरफ भी खेलते हैं। और कायदे आज़म ने बड़ा, मतलब कायदे आज़म अल्फाज का बड़ा बेहतरीन चुनाव करते थे, बड़ी एहतियात फरमाते थे। तो एक दफ़ा उन्होंने मतलब कनिंग का लफ्ज़ यूज़ किया था महात्मा गांधी के लिए। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिनाह जैसा बंदा जिसने सारी उम्र, कहते हैं कि ऐसा लफ्ज़ नहीं बोला जिस पे सॉरी कहना पड़ा। अच्छा हाँ, तो इतने मतलब यानी वो उनसे तंग आ गए जब वो उनसे डायलाग करते रहे जिनाह से गांधी जी। तो जब इन्होंने कोई डिमांड कहनी कि आप ऑल इंडिया कांग्रेस से ये मनवा दे, तो मैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से ये मनवा देता, तो सारी बातें कर करा के उसने बाद में कहना कि चूंकि मेरे पास तो ऑल इंडिया कांग्रेस का कोई अहदा नहीं, लिहाजा मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बाद से मुकर उम्मीद दे के बाद में एक स्टेप पीछे। तो सर ये सारी बातें हम करते हैं, तो कायदे आज़म बड़े विलिंग थे, उन्होंने हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया, बड़ी उन्होंने एक मूवमेंट भी चलाई, लेकिन दरमियान में हमें पता है कि वो सब कुछ छोड़ के इंग्लैंड वापस चले गए थे, तो उसकी रीज़न क्या थी, वो क्यों? ये दोनों रवैये थे ना, एक आपको पता है कि 1927 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के भी दो फैक्शन बन गए थे, शफी लीग और जिनाह लीग। अपनों से भी वो मायूस थे कि शायद आपने सुना है कि जिनाह ने फरमाया था कि आई हैव बेस कॉइन इन माई पॉकेट, तो अपनों से थोड़े मायूस थे इत्तेहाद। और दूसरा ये था जो ऑल इंडिया कांग्रेस वाले कर रहे थे ना, आप देखें विजन में या ऑब्जेक्टिव में बड़ा फ़र्क है। जिनाह कह रहे थे कि मैं आज़ादी दिलाऊँ, इन ग़ुलामों को आज़ाद करवाऊँ। अब हिंदू माइंडसेट क्या था कि आज़ादी तो हो लेकिन हमारी मर्ज़ी की हो, तो इस दोनों चीज़ों में बड़ा फ़र्क है। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह जब 1930 में मायूस होकर इंग्लैंड चले गए, उसकी मैं समझता हूँ कि बड़ी वजह ये थी कि जो मुसलमान थे, जो रहनुमा थे और उसमें चंद उलमा भी थे, उनके रवैये से वो मायूस हो गए और फिर कोई चार साल तक वो इंग्लैंड में मायूस होकर बैठे रहे। फिर अल्टीमेटली लामा इकबाल साहब ने उनको खत बुला के वापस बुला लिया, इकबाल ने फिर उन्हें रिक्वेस्ट की। और ठीक है, ठीक है सर। अच्छा सर, क्योंकि टाइम प्रोग्राम का जो है वो काफ़ी कम है, तो एक आखिरी सवाल जो आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ लीडरशिप के हवाले से, कि लीडरशिप 1947 से पहले, पाकिस्तान बनने से पहले और बाद की जो लीडरशिप है उसमें काफ़ी फ़र्क है, तो क्या आप समझते हैं कि 1947 के बाद जो लीडरशिप है वो गलत हाथों में आ गई थी पाकिस्तान की? उसमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि 1947 तक एक बहुत बड़ा पैशन था मुसलमानों के अंदर कि हमने आज़ादी हासिल करनी है, अलग-अलग वतन हासिल करना है। और आपको पता ही है ग़ुलाम क्या होता है, ग़ुलाम की ज़िंदगी क्या होती है। उसके बाद 47 के बाद जब पाकिस्तान बन गया तो दो तीन हादसात हो गए, हमारे बानी पाकिस्तान लल्ला को प्यारे हो गए, लियाकत अली खां की शहादत हो गई, जिन्होंने अपनी मेहनत से अपने खून से ये जो बाग था वो लगाया था। बाद में जो सियासतदान है, मैं उन्हें इतना बुरा नहीं कहता, लेकिन ये हुआ है कि उन्होंने देखा नहीं है कि पाकिस्तान कैसे बना है। अब मैंने पढ़ा है और मुझे थोड़ा सा एहसास है कि पाकिस्तान बनने में 10 लाख लोग शहीद हुए थे, और अटारी से वाघा आने वाली जो ट्रेनें थीं, चंद एक ट्रेन ऐसी भी आई हैं जिसमें सारे के सारे बंदे शहीद, बोगी से साइडों पर खून बह रहा था। ये वो पैशन था, ये जो मनाजर थे, वो जो ऐसे लोग आए अमृतसर से जो बॉर्डर तक पहुंचे हैं और उनकी शहादत हो गई, उस मिट्टी को उन्होंने चूमा है, नारा तकबीर बुलंद किया और अल्लाह को प्यारे हो गए। अच्छा, 60,000 औरतें यंग बच्चियां अगवा हुई हैं जो आज भी किसी हिंदू के गारा को दादी या को नानी को किसी मुसलमान औरत। अब ये जो चीज़ें थी ना, ये नई नस्ल तक पहुंची। सही। अगर एज इट इज पहुंचती ना, मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, ये 1940 का आप जिक्र कर रहे हैं, सईद अहमद सईद किरमानी साहब 1940 के इजलास में मौजूद थे, मेरी उनके साथ काफ़ी मुलाकातें होती रही, अब तो अल्लाह को प्यारे हो गए।
ضیاءالاسلام صاحب ہیں, وہ تو جب قائد اعظم کا نام لیتے تھے تو ایسے جیسے ہم ایک رکت نہیں تاری ہو جاتے, اقبال کا نام لیتے, پاکستان کا نام لیتے. کیونکہ یہ سر یہ میں کہتا ہوں یہ شخصیت, یہ جو شخصیات ہیں یہ ایک کیفیت ہی ہے, کیفیت ہے. آپ اپنے اوپر تاری کر لیں, آپ کو لگے گا کہ جیسے آپ واقعی ایک زندگی کا آپ کو مقصد مل گیا. اگر آپ یہ پاکستان بنانے کی تاریخ کے ساتھ ٹچ ہیں تو پھر آپ کا رویہ اور ہوگا کہ جب وہ بندہ بیٹھے گا پرائم منسٹر یا کوئی بھی عہدے دار ہے اسے پتہ چلے گا کہ یہ جناح کی کرسی ہے تو پھر تو اور طریقے سے بیٹھے گا. لیکن ہمارے جو پولیٹیشینز نے پڑھا ہی نہیں, اس کو چاہیے تھا سیاستدان پڑھتے. اور سر ہمارے نصاب میں بھی یہ چیز نہیں ہے, ہمارے آنے والی نسلوں کو نہیں پتا کہ جو قربانیاں تھیں کس طریقے سے ہم نے بول کے پاکستان حاصل کیا, کچھ ایگزیجریٹ کر دیا گیا, ہم تاریخ سے ہمارا بالکل بھی لگاؤ نہیں ہے. ان کے بچوں کو یہ نہیں آج کل پتا ہوتا کہ یہ جو دن ہم منا رہے ہیں یہ کس کے پیچھے کاز کیا ہے. یہ سارا جو ہے نا سلیبس میں باتیں ہونی چاہیے تھیں, اور ہمیں ہر بچے کو بچی کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ یہ پاکستان کس کے لیے بنا ہے. ہم تو بنا بنایا ہمیں مل گیا, ہم اپنے جھگڑوں میں روٹی روزی کے چکروں میں بڑھ گئے ہیں ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کروانے کے لیے. آپ سوچیں ان 10 لاکھ لوگوں کا جو اس پاکستان بنانے کے لیے جنہوں نے جانیں قربان کی. یہ سردار چودھری صاحب تھے, آئی جی پنجاب ریٹائرڈ رہے, وہ کہتے ہیں میں 7 سال کا تھا تو میری دادی تھی, میرے 2 چچا تھے, تو میرے سامنے کہتا ہے دادی کی آنکھوں کے سامنے, ان کا بھی بڑا قد تھا, کہتے ہیں میرا چچا تھا میرے سے مطلب کافی قد, تو کہتے ہیں میرے سامنے اور دادی کے سامنے ایک سکھ نے اسے برچھا مارا تھا چچا, ادھر ہی ڈیتھ ہو گئی آن دا اسپاٹ. تو وہ اتنی باتیں کر ہی نہیں سکتے تھے, وہ داڑے مار مار کے رونا شروع ہو جاتا. یہ وہ پاکستان ہے اور یہ لائف ہماری تو تاریخ ہے ناظرین, بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہے پاکستان کی, اور ہمیں یہ اس بات کا ادراک کرنا ہے کہ جس کوششوں سے اس قربانی سے ہمیں یہ وطن ملا ہے ہمیں اس کی قدر کرنی ہے, ہماری آنے والی نسلوں کو یہ بتانا ہے کہ یہ ملک بہت ہی قیمتی ہے, ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے. تو سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں آج کے پروگرام کے لیے دیا. نیکسٹ کسی دوبارہ سیشن میں آپ سے گفتگو کریں گے اور آپ کو مزید ناظرین پاکستان کی ہسٹری کے حوالے سے آگاہ کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لینا, بریک پر واپس آئیں, آپ سے مزید کچھ خبریں شیئر کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ونس اگین ان دا پروگرام, ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے پروگرام ورڈس ان ورڈس آؤٹ میں. اور جیسا کہ ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ سکندر ذوالقرنین بھی موجود تھے, اور اسپیشلی آج ہم بات کر رہے تھے 23 مارچ 1940 کے حوالے سے قرارداد لاہور کے بارے میں. اور ناظرین مولانا اے کے فضل الحق نے اس قرارداد کو پیش کیا, اور جب ہم بات کرتے ہیں اس قرارداد کی, اس قرارداد میں ایک ایسا خواب جس کی تعبیر ہوئی, بہت سارے لوگوں نے بھی اس کو مل جل کے جو ہے وہ دیکھا اس چیز کو, اور بہت سارے ایسے لیڈرز اس وقت میں موجود تھے جنہوں نے پیشنیٹلی اس کے اوپر ورک کیا, اور وہ جو خواب جو کہ علامہ اقبال نے دیکھا تھا اس کی کچھ حد تک جو تعبیر ہے وہ نظر آ رہی تھی 1940 میں جو قرارداد منظور ہوئی. بالکل, ان میں یہ کہا گیا کہ ایک ایسی وہ تمام علاقے جہاں پہ مسلمان اکثریت میں ہیں ان کو ریاست بنایا جائے, اور کوئی بھی آئینی ترمیم جب تک ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی جب تک کہ ان ریاست کے لوگوں کی رائے نہ لے لی جائے, کیونکہ ہندو اکثریت میں تھے, وہ چاہتے تھے کہ اپنی مرضی سے, انگریز چونکہ جانے والا تھا جنگ عظیم دوم کے بعد, تو وہ چاہ رہے تھے کہ ہم جب اس کو کریں آزادی حاصل کر تو ہماری مرضی سے ہو, لیکن مسلمانوں کا جو حقوق تھے ان میں خطرے میں تھے. تو اس کے بعد کوشش کی گئی کہ قرارداد لاہور کے بعد, اس کو قرارداد لاہور سے قرارداد پاکستان کیوں کہا جاتا ہے, اس لیے کیونکہ اس قرارداد کے فوراً بعد ہندو لیڈرز اور اخبارات نے یہ اخبارات میں شائع کرنا شروع کر دیا کہ یہ قرارداد پاکستان ہے. تو اس کے بعد کیونکہ مسلمانوں نے باقاعدہ طور پر اسے قرارداد پاکستان ہی کہنا شروع کر دیا, اور اس کے ٹھیک 7 سال بعد الیکشنز ہوئے, اور ایک بھرپور کامیابی کے بعد پاکستان 1947 14 اگست کو مارز وجود میں آیا. اور لیکن کچھ سانحات ہوئے ناظر, ہم جس طرح ہمارے گیسٹ ہمیں بتا رہے تھے کہ قائد اعظم کی وفات ہو گئی, لیاقت علی خان, وہ افراد جو کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر, کیونکہ لیاقت علی خان ایک ریاست کے نواب تھے اور وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے پاکستان کو سرو کیا, کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ ایک ایسی اسلامی ریاست ہے جس میں ہم اسلامی قوانین کو نافذ کر سکیں گے, اور یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی ایک جدوجہدی کاوش تھی, ایک خواہش تھی ان کی, جس کی بنا پر پاکستان بنا گیا. Exactly. اور معین اگر ہم بات کریں 23 مارچ 1940 کے حوالے سے, تو یہ ایک ایسا دن تھا کہ ہمارا جو اسلام ہے یہ دن اسی دن کا جو ہے وہ درس دیتا ہے, کیونکہ اس دن وہ تمام فرقہ واریت, وہ تمام جو چیزیں تھیں جو کہ ہندو مسلمانوں کے لیے کرتے تھے, مسلمانوں کو بہت زیادہ ایک دو جگہ پہ تو انہوں نے غداریاں بھی کی, اور آپ دیکھیں کہ
जब एक इंसान पैशनेटली किसी चीज के ऊपर काम करता है, जब उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक डायरेक्शन आपको मिल रही है. इससे पहले लोग स्कैटर्ड थे ना, उन्हें पता नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, हिंदू हम पे जुल्म कर रहे हैं, और हमें नहीं पता कि हम इनसे बचें कैसे, क्योंकि वो अक्सरियत में थे और उनके पास राइट्स थे, वो अच्छे अच्छे उहदों पे फाइज भी थे. चीज की जब आप बिल्कुल ना उम्मीद हो जाते हैं, लेकिन जब एक उम्मीद की किरण आपको नजर आती है, और ये 23 मार्च 1940 को ही हुआ कि जब आपको एक उम्मीद नजर आई और आपको ये लगा कि अब कोई भी पंजाबी पंजाबी नहीं रहेगा, पठान बलोची सब मिलकर एक ही नारा लगाएंगे, और वो ये है कि अल्लाह ताला एक है और सारे अल्लाह ताला को मानने वाले हैं, तो ये जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक चीज़ थी एट दैट टाइम. बिल्कुल. और इलामा इकबाल का ख्वाब था नाज़रीन, जिसको कायदे आज़म की क़यादत में तकमील तक पहुँचे, पाकिस्तान बन गया. और पाकिस्तान बनने के बाद अब हमारी ज़िम्मेदारी क्या है, हमें ये करना है कि जिस कौम को ये मिल्लत इस्लामिया दी गई, हमें इसका पास करना है. इसके लीडर्स ने जिस ख्वाब को देखा था कि ये कैसी रियासत होनी चाहिए, यहाँ पर इखलाकियात होनी चाहिए, यहाँ पर बराबरी के हकूक़ हों तमाम उन लोगों को, तासुबात से परे, फ़िरकावारियत से परे. लेकिन हम आज के पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो कि किसी भी रियासत को नाकाम करने में मेन मरकजी किरदार अदा करती है. और सिर्फ लीडर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हर शख्स की, हर फर्द की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वो अपने 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 सर्कमटांसिस में रहता हुआ, जो भी उसकी कोई जॉब है, जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो बाप है तो उसको अपने बाप होने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अच्छे से निभाना है, अपने इर्द गिर्द के माहौल को अच्छा रखना है, साफ़ सुथरा रखना है, और पाकिस्तान के बारे में सोचना है. सबसे बढ़कर ये कि अपनी तारीख के बारे में भी हमें नॉलेज रखनी है, क्योंकि अगर आप अपनी तारीख को भूल जाएंगे, आप उन लोगों को भूल जाएंगे जो आपके मोहसिन हैं, या वो लोग जिन्होंने आपसे गद्दारी की, जिन लोगों ने आप पे जुल्म किए, आपके 10 लाख मुसलमान बहन भाइयों को शहीद कर दिया, तो आपको सोचना पड़ेगा, अपनी डायरेक्शन चूज़ करनी पड़ेगी. इस तरह 1940s में हमने डायरेक्शन चूज़ की थी, अब हमें दोबारा से चूज़ करने की ज़रूरत है कि किस तरह से, क्योंकि अभी हमें कोई लीडर की ज़रूरत नहीं, लीडर्स का जो दौरानिया था वो चला गया, अब हमें एक अच्छा मैनेजर चाहिए पाकिस्तान चलाने के लिए, और हमें वो मैनेजर इंशाल्लाह उम्मीद की जा सके. उसके साथ साथ आवाम का भी बड़ा किरदार है, जिस तरह की आवाम होंगे वैसे ही यहाँ पे हुक्मरान होंगे. तो सबसे पहले अपने आप को ठीक कीजिए, और उसके बाद अगर आप ठीक होंगे तो अल्टीमेटली पूरा मुआशरा ठीक होगा, और हमारी पूरी कंट्री भी बेहतर हो जाएगी, माहौल भी ठीक हो जाएगा. और इस बात का अंदाज़ा होना बहुत ज़रूरी है कि ये पाकिस्तान किस तरह से बना था और कितने लोगों ने इसमें कुर्बानियाँ दी थी, फिर जाकर हमें ये मुल्क मिला है. तो जब आप तारीख पढ़ेंगे, जब आप इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो तभी आपको वो एहसास होगा, वो फील आपके अंदर डेवलप होगा. बनाजिन प्रोग्राम का टाइम जो है वो खत्म हुआ जाता है. इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा से आपके साथ मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको बताया करते हैं, आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं ब्राइस्टा टीवी के नाम से, एंड साथ ही साथ में यूट्यूब के ऊपर आप हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं व्हाट्स इन व्हाट्स आउट, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए. जी बिल्कुल, सोशल वेबसाइट पर हम अवेलेबल हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और हमारी लाइव देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, दैट इज ब्राइस्टा टीवी डॉट लाइव. और नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए मुझे और शाहजेब को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.